हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फॉलन हार्ट फ्लेम स्काई बर्निंग टावर को तोड़ते हुए ब्रीच आउट कर जाता है, जो देखकर मास्टर सुकियान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे दोबारा से टेम्परेरीली सील कर दिया था। लेकिन तभी अचानक वहां पर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मास्टर सुकियान थोड़े से शॉक हो गए थे। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहां हानफेंग अपने दोस्तों के साथ इनर कनान कॉलेज के स्काई बर्निंग टावर के बाहर पहुंच गया था। यहां सारे के सारे एल्डर्स डेसिपल इवन के जियावियान भी हानफेंग को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये है कौन। मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान होगा, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो इनर कनान कॉलेज में इस तरह से इंटरफेयर कर सके। दूसरी तरफ हानफेंग मुस्कुराते हुए ग्रेट एल्डर से कहता है कि मैंने महसूस कर लिया, यहां पर फॉलन हार्ट फ्लेम छुपी हुई है जिसके बारे में तुम दुनिया नहीं बताना चाहते। एल्डर सुकियान भी यहाँ पर हानफेंग को देखकर कहता है कि लेट मी गेस, तुम हो पिल एम्परर ब्लैक डोमेन के, जिसका असली नाम है हानफेंग। यहाँ हानफेंग का नाम सुनकर जियावियान को काफी जरा गुस्सा आ गया था, जबकि दूसरी तरफ हानफेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि पिल एम्परर तो बस एक टाइटल है जो कि मेरे दोस्तों ने मुझे दिया, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मुझे हानफेंग कहकर पुकार सकते हो। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट हानफेंग से कहते हैं कि आखिर ये क्या बदतमीजी है, तुम इस तरह से यहाँ पर इनर कनान कॉलेज में अनइनवाइटेड कैसे आ सकते हो। जिस पर हानफेंग कहता है कि हेवनली फ्लेम्स को अर्थ और हेवन ने मिलकर बनाया हुआ है, जिसको तुम लोगों ने यहाँ पर कैद कर दिया, और मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, हम जैसे अल्केमिस्ट इन फ्लेम्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस फ्लेम को आजाद कर दो, आजादी उस फ्लेम का हक बनता है। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या बेवकूफी बड़ी बातें कर रहे हो, ऐसे बचकाने रीजन को तो 3 साल का बच्चा भी नहीं मानने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पर आगे फाइट के लिए रेडी हो चुके थे, जहाँ एल्डर सुकियान आखिरी बार वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम को चुराने के लिए आए हो तो वापस चले जाओ, क्योंकि तुम ये जिन लोगों को अपने साथ फाइट के लिए लेकर आए हो इनमें से कोई भी डोहोंग लेवल पर नहीं है, तुम सिर्फ यहाँ पर अकेले ही हो जो कि शायद हमारा मुकाबला कर पाओ। हानफेंग ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि एल्डर सुकियान तो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले, अगर आप इस तरह से सीधी सीधी बात करने ही वाले हैं तो चलो मैं भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम जैसे अल्केमिस्ट को स्ट्रेट फायर्स जरूरत पड़ती रहती है, तो अगर तुम लोग इस फॉलन हार्ट फ्लेम को मेरे हवाले कर दो तो मैं तुम लोगों को कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मास्टर सुकियान कहते हैं कि हानफेंग मैं तो तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं, अगर ये सब तुम्हारे मास्टर याओचेन के लिए होता तो शायद मैं सोच भी लेता, लेकिन तुम्हें ये फ्लेम देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पिछले कई सालों से इनर कनान कॉलेज की रेपुटेशन इसी फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से स्टेबल है। ये बातें सुनकर अब हानफेंग को काफी जरा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो कहता है फिर तो मैं मजबूर हो चुका हूँ कि मैं जबरदस्ती इस फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करूं, लेकिन बाद में तुम लोग इस सब के लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना, और ये कहते साथ ही वो अपने स्ट्रेंज फ्लेम भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी एनर्जी देखकर वहां पर मौजूद एल्डर्स तो काफी जरा घबरा गए थे। इवन कि जियावियान भी यहां पर हानफेंग की स्ट्रेंज फायर को देखकर काफी जरा इंप्रेस होते हुए कहता है कि ये तो काफी जरा पावरफुल लग रहा है। साथ ही साथ वो यहां पर मास्टर याओचेन से सवाल करता है कि मास्टर क्या आप ठीक है, जिस पर मास्टर जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, बस मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये गद्दार जिसने अपने मास्टर को धोखा दिया ये भी यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाने के लिए आ जाएगा। जियावियान मास्टर याओचेन से कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इसे फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल करने नहीं दूंगा और आपका बदला भी जरूर लूंगा, जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि नहीं तुम्हें उससे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी के लिए तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, अभी के लिए तुम्हें सारा के सारा ध्यान फॉलन हार्ट फ्लेम को ही हासिल करने पर लगाना होगा। ऊपर की तरफ मास्टर सुकियान हानफेंग से कहते हैं कि हानफेंग अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं इस बात को पूरी तरीके से बुला दूंगा, जैसा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तुम जानते हो कि हमारे इनर कनान कॉलेज के डीन कितने जरा खतरनाक हैं। जिस पर हानफेंग हंसते हुए जवाब देता है कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, मैं भी जानता हूँ और तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि डीन को पिछले कई सालों से किसी ने नहीं देखा, पता नहीं इस वक्त वो कहाँ पर होंगे, सिर्फ वही है जो कि डोजोंग लेवल के वॉरियर और मुझे आसानी के साथ हरा सकते हैं, लेकिन अब उनकी गैर मौजूदगी में मैं आसानी के साथ फॉलन हार्ट फ्लेम को हासिल कर सकता हूँ, और अगर बाद में फिर मेरा उनके साथ मुकाबला भी हो जाए तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनकर मास्टर सुकियान अपनी डो की एनर्जी को अपने हाथ में जमा करते हुए एक एनर्जी ब्लास्ट करते हैं, जिसको देखकर उसके ओपिनियन काफी जरा घबरा गए थे। साथ ही साथ एल्डर सुकियान कहते हैं कि इसका मतलब तुम फाइट करे बगैर नहीं मानने वाले, तो चलो आ जाओ मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं कितना जरा पावरफुल हूँ। ये सुनकर हानफेंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि एल्डर सुकियान तुम भी डोजोंग लेवल पर हो, जिससे हराना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो कि मेरी इस बात से एग्री करेंगे। जो कहते साथ ही वो कहता है कि एल्डर
गोल्ड एंड एल्डर सिल्वर, मैं तुम लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। ये सुनकर मास्टर गोल्ड एंड सिल्वर पीछे से हंसते हुए आगे आकर कहते हैं कि हानफेंग, तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि हमें क्या चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से वापस जाने के बाद वो हमें फौरन मिल जाएगा। जो कहने के बाद वो दोनों ही सीधा एल्डर सुकियान के सामने आकर खड़े हो गए थे। एल्डर सुकियान इन दोनों को यहाँ पर देखकर कहता है कि तुम दोनों भी इस बगावत में शामिल हो, जिस पर गोल्ड एल्डर कहता है कि मुझे माफ कर देना, असल में हम लोग हानफेंग का साथ नहीं दे रहे, बस हमें जो चाहिए हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। साथ ही साथ सिल्वर एल्डर यहाँ पर एल्डर सुकियान से कहता है कि चलो भी हानफेंग की बात मान लो, उसे फलन हर फ्लेम दे दो ताकि यहाँ पर खून खराबा ना हो। एल्डर सुकियान अब ये सारी बातें सुनकर खुद को फाइट के लिए रेडी कर लेते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पर कहते हैं कि मैंने सुना था कि एल्डर गोल्ड और सिल्वर जब तुम दोनों एक साथ मिल जाते हो तो तुम लोग किसी डोजोंग लेवल के वॉरियर का मुकाबला कर सकते हो, मैं आज ये खुद अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने बाकी के दोस्तों से कहता है कि फालन हार्ड फ्लेम की हिफाजत करना, जिस पर आउटर कनान कॉलेज के प्रेसिडेंट और बाकी के सारे एल्डर्स एक साथ कसम खाते हैं कि हम फालन हार्ड फ्लेम की अपनी जान जाने तक हिफाजत करेंगे। ये सुनने के बाद एल्डर सुकियान आगे बढ़ते हुए हानफेंग पर हमला कर देते हैं, जिसे हानफेंग भी अपने स्ट्रेंथ फायर का इस्तेमाल करते हुए कैंसिल कर देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एल्डर सुकियान आगे बढ़ के हानफेंग को पकड़ने की कोशिश करने वाला था, लेकिन एल्डर गोल्ड एंड सिल्वर बीच में आकर मास्टर को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो एल्डर सुकियान पर हमला करते हुए कहते हैं कि पहले हमारे साथ तो खेल लो, उसके बाद जाकर हानफेंग से भी बात कर लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ एल्डर सुकियान और एल्डर गोल्ड सिल्वर के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ एल्डर सुकियान का पावर लेवल उन दोनों से काफी हाई था, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों मिलकर एल्डर सुकियान का अच्छे से मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही कंबाइंड होकर डोजोंग लेवल के वॉरियर को हरा सकते हैं। एल्डर सुकियान को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए अभी लोगों पर अपनी पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर देते हैं, जहां वो लगातार इन दोनों एल्डर्स को काफी बुरी तरीके से मारते हुए जमीन पर पटक देते हैं। पर ये दोनों एल्डर फिर भी हार नहीं मान रहे थे और फाइट के लिए खुद को दोबारा से तैयार कर लेते हैं। हानफेंग दूर से ये सारी फाइट देख रहा था, इसलिए वो अपने बाकी के दोस्तों से कहता है कि चलो अब हमें भी इस फाइट में हिस्सा लेना होगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर अपने दोस्तों से कहता है कि आज तुम लोगों को मेरे लिए पूरी शिद्दत से फाइट करनी होगी और इसके बाद मैं तुम लोगों को एक बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जो कहने के बाद वो खुद तो स्काई बर्निंग टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो फालन हार्ड फ्लेम को अनसील कर सके, जबकि उसके बाकी के सारे इवल दोस्त इनर कनान कॉलेज के एल्डर्स के सामने आकर खड़े हो गए थे ताकि वो लोग हानफेंग को डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ ये सब लोग ही अपने साथियों की मदद करते हुए अपने ओपिनियंस को हराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि इवल ग्रुप्स इन लोगों पर बारी पड़ने शुरू कर देता है। इवन के हम यहाँ पर ब्लड क्लैन के लीडर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और इसीलिए वो इनर कनान कॉलेज के एल्डर को काफी बुरी तरीके से मार रहा था, पर इससे पहले कि वो उसे जान से खत्म कर पाता तभी अचानक वहाँ पर एल्डर हाउ और चीफ प्रेसिडेंट उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो एल्डर उनका शुक्रिया अदा कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ ब्लड क्लैन का लीडर उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर ये सब क्या मजाक कर रहे हो, इस तरह से हमें एक दूसरे के साथ फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम लोग आसानी के साथ हार मान लो तो यहाँ पर किसी की जान नहीं जाएगी। पर इनर एंड आउटर कनान कॉलेज के एल्डर्स का हार मानने का कोई प्लान नहीं था, तभी अचानक वाइस प्रेसिडेंट देखता है कि हानफेंग सीधा स्काई बर्निंग टावर की तरफ ही बढ़ रहा है, इसलिए वो अपने दोस्त एल्डर हाउस से कहता है कि तुम दोनों को मिलकर ही इस नमूने को रोकना होगा ताकि मैं जाकर हानफेंग का मुकाबला कर सकूं। ये सुनकर एल्डर हाउ भी उसके साथ एग्री हो गई थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बहुत ही तेजी के साथ सीधा हानफेंग के पीछे रवाना हो गए थे। ब्लड क्लैन का लीडर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के पीछे जाकर उसे रोकने वाला था, लेकिन एल्डर हाउस पर अपने एरो से हमला करते उसे अपने साथ ही उलझा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हानफेंग सीधा स्काई बर्निंग टावर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उस पर कुछ वेन्स हमला कर देते हैं, जिससे उसने अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए खत्म कर दिया था और वो देख पाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।